नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आम आदमी पार्टी में बगावत और खेमेबंदी अब पूरी तरह से सतह पर आ चुकी है। दिल्ली सरकार में मंत्री पद से कल बाहर किए गए कपिल मिश्रा आज करने वाले हैं भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा। टैंकर घोटाले से जुड़े इस खुलासे पर कपिल मिश्रा का दावा है कि इसमें केजरीवाल के करीबियों के नाम है, जिससे बड़े बड़ों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केजरीवाल जी से जुड़े हुए नाम है और नाम का भी नाम है, नाम ऐसे हैं कि लोग अरविंद केजरीवाल का भी नाम ऐसे हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पिछले दो साल के अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और जितने भी बयान हैं वो सारे चला दीजिए, और पानी के बारे में वो खुद क्या कह रहे हैं पिछले दो साल से लगातार ये जरा देखें, तो क्या वो दो साल से दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे थे या आज किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एसीबी से मैंने खुद टाइम मांगा था, एसीबी में भी जाऊंगा और जहां भी भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत दर्ज करनी होगी मेरी जो जानकारी में तथ्य है वो रखने होंगे, क्योंकि मैंने अरविंद जी के सामने रख के देख लिए। अगर वहां से नहीं चली है बात तो जहां भी जाना होगा सब जगह जाएंगे, सब जगह सच्चाई रखेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा या जो भ्रष्टाचारी को बचाएगा वो तिहाड़ जाएगा। बगावत के जिस बारूद पर आम आदमी पार्टी लंबे समय से नजर आ रही थी उस बारूद को चिंगारी लग चुकी है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा की कुर्सी छीनी, उधर कपिल मिश्रा के भीतर भरा लावा फूट पड़ा। पूरा मामला भ्रष्टाचार के कुछ बहुत बड़े मामले से जुड़ा हुआ है, जिसका मैंने आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चर्चा की थी, ये सोचकर कि वो मेरे नेता हैं, उनसे मैं खुल के बात करूंगा। बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कुछ मामले, जेल कौन जाएगा देखते हैं, इंतजार कीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा या जो भ्रष्टाचारी को बचाएगा वो तिहाड़ जाएगा। हालांकि पार्टी और केजरीवाल की ओर से दलील दी गई कि एमसीडी चुनाव के दौरान जल संकट को लेकर कहा गया कि जल संकट से एमसीडी चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ। आलाकमान की दलील कुछ और है, कपिल मिश्रा के दावे कुछ और, लेकिन सियासत के दिग्गज कपिल मिश्रा पर गाज की वजह कुमार विश्वास की हालिया नाराजगी और आलाकमान से उनकी अदावत को मान रहे हैं। कुमार विश्वास से जुड़ा हुआ मामला नहीं है ये मामला, जो आज मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई है क्योंकि बड़ी खुलकर चर्चा हुई है मेरी उनसे, उससे जुड़ा हुआ मामला है। जो मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा है उससे जुड़ा हुआ मामला है। कपिल मिश्रा का कहना है कि शनिवार सुबह 10 बजे उन्होंने टैंकर घोटाले समेत कई घोटालों पर केजरीवाल से उनके घर जाकर बात की, लेकिन पार्टी के कई नेता मुलाकात की बात को ही गलत बता रहे हैं। मेरे को लगता है कि सीएम दफ्तर से अब इसी प्रकार के बयान आ सकते हैं, इसके अलावा कोई बयान आ नहीं सकता है। मैं उनके घर पे आज सुबह था कि नहीं था ये उनके घर के कैमरे बता सकते हैं, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग में आ सकता है, मैं किस कमरे में बैठा था ये भी आ सकता है। तो इस संबंध में मेरे को लगता है ऐसे झूठ तो ज़्यादा दिन चलते नहीं है। कुर्सी गई और अब बातों पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो कपिल मिश्रा भी खुलकर सारे राज सामने लाने पर आमादा हैं। उन्होंने जो कहा उसका निशाना सीधा केजरीवाल ही नजर आते हैं। भ्रष्टाचार के कुछ और मामलों के ऊपर मैंने अरविंद केजरीवाल जी से आज खुलकर चर्चा की थी और मैंने जल बोर्ड से जुड़े हुए हैं क्या वो मामले, और मामले भी हैं, और मैंने उनसे ये कहा था कि पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के बीच में खुलेआम बैठकर भ्रष्टाचार के इन मामलों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी की संस्कृति और हमारे आंदोलन की संस्कृति रही है, इन मामलों को दबा के कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर उनका ही पुराना साथी भरोसेमंद साथी उठा रहा है सवाल और दे रहा है चुनौती कि आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा खुलासा जो बड़े बड़ों के पैरों तले से जमीन खिसका देगा। केजरीवाल जी से जुड़े हुए नाम है और नाम का भी नाम है, नाम ऐसे हैं कि लोग अरविंद केजरीवाल का भी नाम ऐसे हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग के नाम से कपिल मिश्रा ने सुबह से देर रात तक दर्जनों ट्वीट भी कर डाले। इन ट्वीट में भी कपिल मिश्रा ने सीधे केजरीवाल पर आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने देर रात ट्विटर पर लिखा, कई आप नेताओं और विधायकों को सीधा अरविंद केजरीवाल फोन कर रहे हैं, कल की मेरी पीसी से पहले बड़ी साजिश की तैयारी, न रुकेंगे न झुकेंगे। अब देखना यह है कि कपिल मिश्रा के घर पर आज सुबह 11 बजे टैंकर घोटाले को लेकर होने वाला खुलासा केजरीवाल पर बम की तरह फटने वाला है या फिर ये कपिल मिश्रा का एक सियासी स्टंट साबित होता है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
400 करोड़ रुपए का टैंकर घोटाला तो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के दौर का है। शीला दीक्षित उस वक्त जल बोर्ड की अध्यक्ष थी। एसीबी में इस मामले में केस भी दर्ज है, लेकिन आज इसी मुद्दे पर कपिल मिश्रा अपने ही सीएम और पार्टी सुप्रीमो पर बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं। तो वजह है अंदरूनी घमासान, जिसके दूसरे खेमे में नजर आ रहे हैं केजरीवाल के करीबी कुमार विश्वास। बुधवार को आम आदमी पार्टी में सब कुछ शुद्ध होता नजर आ रहा था, लेकिन शनिवार भारी पड़ गया और चार दिन पहले बिछी बगावत और फूट की बिसात उठते उठते फिर बिछ गई। सियासत के जानकार मानते हैं कि कपिल मिश्रा पर गाज इसलिए गिरी क्योंकि कुमार विश्वास और आलाकमान के झगड़े में कपिल मिश्रा पूरी तरह कुमार के साथ खड़े थे। कुमार के मुश्किल वक्त में कपिल साथ खड़े थे, तो आज कपिल के मुश्किल वक्त में कुमार विश्वास उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली से दूर भोपाल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज से ही कुमार विश्वास ने अपने स्टाइल में आला कमान पर निशाना साधा। दिल्ली की सरकार में इस समय दो शासक हैं, दोनों मेरे मित्र हैं। आज कल कंफर्म नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं है। साजिशें बाहर हुई, भीतर हुई और अब भी चल रही है, लेकिन मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ आज भोपाल में। इसे मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझा जाए पत्रकारों में, सुनना कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। भरे मंच से इस निशानेबाजी से पहले भी दिन भर कुमार विश्वास ने कपिल मिश्रा के कई ट्वीट रीट्वीट किए और खुद भी ट्वीट कर ये साफ किया कि चार दिन पहले जो सीज फायर हुआ था वो टूट चुका है, जिम्मेदार कोई भी हो। देश और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर और बाहर आवाज उठाना जारी रखेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भारत माता की जय। एक आंदोलन और सही, न थके हैं न डरे हैं, सत्ता के किसी घड़े का बूंद भर भी जल नहीं चखा, इसीलिए अभी तक जंतर मंतर की आग बाकी है। साथियों आश्वस्त रहो। दावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का है तो ईमानदारी का पुरजोर दम भी भरा जा रहा है और सामने वाले पर कटाक्ष भी खूब हो रहे हैं। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मैं इस सरकार का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर सीबीआई की कोई जांच नहीं चल रही, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है और जिसने अपने किसी बेटी या रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया। जाहिर है कपिल मिश्रा का निशाना केजरीवाल और सत्येंद्र जैन सरीखे नेताओं की ओर है, जिन पर रिश्तेदारों को अहम सरकारी पद देने के आरोप लगे हैं, जो शुंगलू कमेटी के कटघरे में भी हैं। ऐसे में आज कपिल मिश्रा के खुलासे में भी इन नेताओं का जिक्र हो सकता है। खुलेआम ऐसे जिक्र का अंजाम भी कपिल मिश्रा खूब समझते हैं, लेकिन वो बेखौफ है। ये मेरी पार्टी है, हमने ये पार्टी बनाई है। सन 2004 से आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, लाठी डंडे सब खाए हैं। तो इस पार्टी से मेरे को कोई नहीं निकाल सकता। मेरे को भ्रष्टाचार से लड़ना आता है, उन कार्यकर्ताओं हमारे सब कार्यकर्ताओं को लड़ना आता है, और अगर दो चार भ्रष्टाचारी हमारे बीच में आ गए हैं तो झाड़ू चला के उन्हें कैसे भगाना है ये भी आता है। कपिल मिश्रा के ये तेवर इशारा करते हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें पार्टी ने ही निकाल दिया तो क्या वो अपनों के खिलाफ ही आंदोलन शुरू करेंगे या फिर पार्टी पर कब्जे की जंग नए सिरे से शुरू होगी? क्योंकि कपिल मिश्रा की इस जंग में उनके साथी कुमार विश्वास भी सवाल आला कमान पर ही उठा रहे हैं, बस उनका अंदाज जुदा है। कुमार ने ट्वीट में भी लिखा, अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। हालांकि आम आदमी पार्टी में बगावत के सुलगते अंगारों के बीच अरविंद केजरीवाल शांत हैं। शायद कपिल मिश्रा के खुलासे के बाद वो अपना अगला दांव चले। भोपाल से हेमेंद्र के साथ आशुतोष मिश्र और पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी का घमासान एमसीडी चुनाव में हार के बाद ही नजर आने लगा था, लेकिन अब तक बात
मोहरों के बीच चल रही थी। अब कपिल मिश्रा पर गाज गिरने से ये जंग सीधे खेमू के सरदारों के बीच छिड़ गई है। अमानतुल्लाह खान पार्टी से निलंबित अपने इस विधायक पर जब आला कमान ने दो दिन पहले मेहरबानी दिखाई, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि आम आदमी पार्टी में महाभारत का दूसरा अध्याय फिर शुरू होने वाला है। असल में तो आम आदमी पार्टी के भीतर बगावत लंबे समय से बुलबुला रही थी, लेकिन एमसीडी चुनाव में आपकी करारी शिकस्त से ये बगावत सतह पर आ गई। कुमार विश्वास ने पार्टी में कुछ गड़बड़ियों का इशारा किया तो कपिल मिश्रा ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। इस तरह पार्टी में पहली बड़ी खेमेबंदी सामने आई, क्योंकि कुमार विश्वास पार्टी के संस्थापक दिग्गजों में शामिल हैं। विश्वास ने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए तो अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास पर पार्टी हड़पने की साजिश करने और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप जड़ दिया। अमानतुल्लाह ने विश्वास पर ऐसे गंभीर इल्जाम लगाए तो विश्वास पूरी तरह भड़के। उन्हें मनाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को विश्वास के घर तक जाना पड़ा, लेकिन कुमार विश्वास तब माने जब अमानतुल्लाह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उस दौरान कपिल मिश्रा विश्वास के सच्चे साथी के तौर पर सामने आए थे। जो लोग अमानतुल्लाह खान को बचा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के बहाने कुमार विश्वास पे और पार्टी पे सब लोगों पे कोई भी बलिदान करना पड़े, खुद का भी बलिदान करना पड़े, कुमार विश्वास जी के साथ खड़े हैं हम लोग, बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। लेकिन बुधवार को अमानतुल्लाह पर कार्रवाई हुई और शुक्रवार को ही उन्हें विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ ही पांच और समितियों का सदस्य बना दिया गया, जबकि अलका लांबा समेत विश्वास समर्थक कई विधायकों को ज्यादातर कमेटियों से बाहर कर दिया गया। ये साफ इशारा था कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अमानतुल्लाह पर मेहरबान है। अभी इस बारे में विश्वास खेमा कुछ रणनीति बनाता, इससे पहले ही शनिवार को विश्वास के सबसे करीबी माने जाने वाले कपिल मिश्रा को पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव के नाम पर मंत्री पद से हटा दिया गया। दिल्ली के अंदर प्रदेश स्तर पे संगठन को जमीनी लेवल पे मजबूत करने के लिए आज एमएलए और संगठन के पदाधिकारियों के साथ ज्वाइंट मीटिंग हुई है, जिसमें आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर संगठन को बनाने का अभियान शुरू होगा और उसको लेकर के कुछ और होमवर्क हम लोग कर रहे हैं। मंडे को पूरी रूपरेखा जो हम अनाउंस करेंगे। शनिवार को केजरीवाल ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली तो अमानतुल्लाह भी उसमें शामिल थे। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी में खेमे के सरदारों की तस्वीर अब साफ है। एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिल्ली के संगठन को मजबूत करने में आम आदमी पार्टी को 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन खेमेबाजी का हिस्सा बन चुके विधायक और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे तमाम कार्यकर्ताओं को मनाना ही अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।